Good morning, my dear children. A very good morning to all of you. In this lecture, we are going to discuss the subphylum of chordata, the phylum chordata. So, in this lecture, we will discuss how many types of uh, chordatas are there. How many subphylums of chordatas are there? So, there are two subphylums. First is Eurochordata, and the second is Cephalochordata. Okay we have discussed what is chordata what are this phylum chordata what are the characteristics of this phylum chordata okay now we'll discuss the characteristics of the subphylum data. that ma'am what is this Euro data? i had many messages of this then what is Euro data? what is this cephalochordata so we are going to discuss this topic. So pay attention for few minutes and we'll discuss this very fast. Okay. And you will get everything very clear. Okay. So, what are the characteristics of the Eurocordita? See how beautiful this diagram is. Everyone is watching that, how beautiful this diagram is. So, diagram. Okay. So वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दे पॉजिसेज अ नोटो दे हैव अ नोटो उनके पास क्या आ जाती है ये आपको नोटो दिख रही है दे हैव अ नोटो अ हॉलो नर्व कॉड उनके पास एक नर्व कॉड होती है मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात बहुत अच्छे से समझ लो कि यूरोडेटा एंड सिफेलोकॉडेटा में सिर्फ एक डिफ्रेंस सबसे मेन होता है जिससे आप इसको ईजिली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न कर सकते हो दैट जो यूरोडेटा होता है उसका जो कनेक्शन होता है वो ब्रेन से नहीं होता ठीक है और सिफैलो में जो सिफेलो मतलब होता है दैट इज़ ब्रेन सो इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन ठीक है कुछ ब्रेन से कनेक्टेड होगा एंड दैट इज़ योर नर्व कॉर्ड जो नर्व कॉर्ड होगी वो सिफेलो में आपकी ब्रेन से कनेक्ट होती है बट इसमें आपकी ये ब्रेन से कनेक्ट नहीं होती है आपको दिख रही है ये यहीं पर ही रुक गई है तो ये नर्व कॉर्ड जो होगी ये सिर्फ आपके पीछे कन आ, नोटो कॉर्ड जो होगी नर्व कॉर्ड जो होगी वो आपके पीछे ही रहेगी ठीक है देखो यहीं पर ही है ये नर्व कॉर्ड दैट इज ठीक है इट हैज़ अ पोस्ट एनल टेल सी यू आर वॉचिंग दिस पोस्ट एनल टेल बॉडी हैज़ मोर देन टू सेल लेयर्स दैट मीन्स दे हैव two more than two cell layers they are many cell layers more than two cell layers it includes tissue and organs they have tissue and organs ok. Unke us tissues or organs we properly present hain. has a u shaped gut, the gut present hote, that is u shaped watching everyone ok. So, next are hermaphroditic normally with one ovary and testes उनके अंदर एक ओवरी होती है और एक ही टेस्टस होती है ठीक है hermaphroditic टाइप के organisms होते हैं या तो ओवरी होगी या फिर टेस्टस होंगे only a single type of uh, single सिंगल टाइप ऑफ ओवरी और टेस्ट विल बी प्रेजेंट बोथ द थिंग्स be नॉट बी a अ सिंगल okay ओके हैज़ ए नर्वस सिस्टम उनके अंदर नर्वस सिस्टम होता है जो किससे बना होता है एंटीरियर गैंगलियन एंटीरियर गैंगलियन से बना होता है फ्रॉम विच इंडिविजुअल नर्वस टिश्यू जहाँ पे जो इंडिविजुअल जो नर्वस टिश्यू डेवलप होता है नर्वस इशू नर्व्स जो डेवलप होते हैं ठीक है जहाँ से नर्वस इशू होते हैं जहाँ से स्टार्ट होती है नर्व्स ठीक है वो होता है वहाँ पर कंपोज गेंगलियोन से कम्पोज होता है इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रजेंट नहीं होते प्रॉपर एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होते हैं दैट आर नॉट प्रेजेंट ये आपको दिख रहा है कितना सुंदर सा डायग्राम है इसको देखे कुछ याद आ रहा है ये आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे ट्यूनिक जैसा है जो मम्मी जैसे बचपन में जैसे जो गर्ल्स होती थी उनको फ्रॉक जैसा ट्यूनिक पहना देती थी तो ये ट्यूनिक जैसा लग रहा है ना इस तरीके का जैसे ट्यूनिक होता तो कैसा होता था ऐसे ही तो होता था ट्यूनिक यहाँ पे वो लगा देते थे इस तरीके से ट्राइंगल जैसा तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं ट्यूनिकेट्स द एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस यूरोडेटा सफ फाइलम इज ट्यूनिकेट्स फॉर एग्जाम्पल क्या है वर्ड याद करो ट्यूनिकेट्स बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज लाइक ट्यूनिक क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ट्यूनिक लाइक स्ट्रक्चर होता है ठीक है हेज अ डिस्टिंक्ट लारवल स्टेज जो लारवल स्टेज होती है वो कैसी होती है आपकी डिस्टिंक्ट ऑल आर फिल्टर फीडर्स फिल्टर फीडर्स मीन्स दे फर्स्ट Filter everything and then feed. That does not directly feed everything. Okay. Live in marine environments. That means their habitat is marine environment. About 2000 species are currently known. Almost 2000 species are there which are currently known. Okay. So now we will talk about phylum Cephalochordata. Okay. सो सफेलो कॉडेटा आर स्मॉल फिश लाइक ट्रांसल्यूंट मैराइन कॉडेट कैसे होते हैं स्मॉल छोटे फिश लाइक फिश जैसे होते दिख रही है आपको ये फिश जैसा दिख रहा है ये होता है हमारे फिश लाइक ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसल्यूसेंट मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसल्यूसेंट हम्म पार्शियली जिसमें हम देख सकते हैं पार्शियली जो हमारे ऑब्जर्वेबल होते हैं ठीक है ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट टोपि दैट यू हैव स्टार्ट इन द प्रीवियस क्लासेस स्टूडेंट एंड देन दे आर मेराइन कॉडेट्स डेट मीन्स दे लिवन एक्टिक द बॉडी इज लेटरली कंप्रेस एंड टैपर्ड एट बोथ द एंड बॉडी होती है वो कैसी होती है कंप्रेसड इस तरीके से बिल्कुल जैसे कंप्रेस करते तो हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं ना किसी चीज़ को ऐसे प्रेस करते हैं किसी चीज़ को ऐसे दबाते तो क्या okay? हो जाती है छोटी हो जाती है दब जाती है तो वैसी इनकी बॉडी क्या होती है कंप्रेस्ड होती है और दोनों तरफ से टैपर्ड होती है मतलब पॉइंटेड होती है दिख रही है ठीक है और इनके पास भी क्या होती है पोस्ट एनल टेल सी दिस इज द पोस्ट एनल टेल वॉचिंग दिस इज द पोस्ट एनल टेल ओके दे आर कॉमनली कॉल्ड लेंसलेट्स फॉर द शेप ऑफ द बॉडी इनको कॉमनली लेंसलेट्स भी बोला जाता है इनकी शेप को देख करके इनकी बॉडी की शेप को देख करके ठीक है द परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द टिप ऑफ द टेल टू द रीजन बियॉन्ड द ब्रेन हैंड्स कॉल्ड सिफेलोकॉडेटा मैंने आपको बताया था इनको सिफेलोकॉ क्यों बोलते हैं बिकॉज जो आपकी इसमें नोटोकॉर्ड होती है वो एक्सटेंड होती है टेल से लेकर कहाँ तक ब्रेन तक दैट्स वाई दे आर नोन एज सेफेलो जस्ट लर्न स्टूडेंट्स ओके वेंट्रल माउथ सराउंडेड बाय स्मॉल टेंटिकल सी सी दिस जस्ट वन मिनट ओके 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 सी यू आर वाचिंग दिस ये आपको दिख रहे हैं ये जो वेंट्रल माउथ होते हैं उसमें स्मॉल स्मॉल टेंटिकल्स होते हैं ठीक है स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं टेंटिकल्स होते हैं लीड्स टू लार्ज फेरिंग्स जिसकी वजह से इनका जो फेरिंग्स होता है दैट इज़ वेरी लार्ज विद न्यूमरस गिल्स लॉक गिल्सलेट्स वॉट इज दिस गिल्सलेट्स बताया था मैंने आपको गिल्सलेट्स क्या होते हैं ये दिख रहे हैं आपको गिल्सलेट्स गिल्स gills के अंदर ऐसी लाइन्स जो होती हैं दैट इज नोन एज गिल स्लेट्स ठीक है न्यूमरस गिल स्लेट्स ओपन इन टू द आर्ट्रियम जो ओपन होते हैं कहाँ पर आर्ट्रियम में वॉट इज दिस आर्ट्रियम दैट इज़ द पार्ट ऑफ हॉट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज क्लोज टाइप व्ट इज़ द टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम व्हाट इज दिस टाइप दैट इज क्लोज दैट मीन्स ब्लड वेसल्स विल बी प्रेजेंट उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी जो आपके ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करेंगी ठीक है ओके द ब्लड इज़ कलरलेस जो ब्लड होता है वो कैसा होता है आपका कलरलेस उसमें कोई कलर नहीं होता दैट इज़ कलरलेस एंड विदाउट एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड ऑल्सो लिसन माय डियर स्टूडेंट्स दे डोंट हैव एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट उनके पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी प्रेजेंट नहीं होता है ठीक है सो so, these are the characteristics of cephalocordata and urocordata. okay? and my dear students, this is more than enough for your 11th class. okay? in the next uh, slides or in the next lecture, we will discuss. so, my dear students, in the next lecture, we will discuss about more, about class kingdom animalia. okay? we will discuss more classes. Of Kingdom Animalia. So be connected to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe my channel. Now take the snap snapshot of every slide which you want to take so that you can copy it down as your notes. Okay. Okay, start taking the snapshot Beto, and please draw all these diagrams in your fair notebooks. Okay. So, thank you so much for watching my video. Take care. Stay safe at home.